मैं पैदा ही होगा था ये अपने बालों को लेके काफी सीरियस है। हाँ करोगे पार्टी? नहीं। मॉर्निंग 5:30 बज चुके हैं और अब मैं निकल रहा हूँ जिम के लिए, तो आज देखते हैं जिम में क्या क्या होता है। हाय गाइस, रात में बारिश पड़ी थी और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है और मैंने ये पूरा सेटअप तैयार करा है अपनी एक जंग के लिए। चलो चलते हैं। अब गाइस काफ़ी ज़्यादा ठंड है और देख सकते हो आप यहाँ पे पानी भी हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा भयंकर ठंड है गाइस, आप सोच भी नहीं सकते। ओ भगवान, जिसका डर था वो जगह आ गई। ये है आर्मी एरिया और यहाँ पे दूसरा कश्मीर है। काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है गाइस यहाँ पे और देख सकते हो आप बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। एक तरीके से अगर वहाँ पे जोटवाड़ा साइड में 5 डिग्री हो रही है ना, तो यहाँ पे तो 1 डिग्री के आसपास ही है एक तरीके से। भयंकर, ये दूसरा कश्मीर है गाइस यहाँ पे। अब मैं आप गाय को चारा खिलाने वाला हूँ और ये अंकल काफ़ी अच्छे हैं, थैंक यू अंकल। पनीर देना। आज तो काफी ज्यादा सर्दी हो रही है। गाइज मैं ये सोच रहा हूँ कि इन बेचारों को क्या हुआ होगा झोपड़पट्टी में जो रहते हैं। इतनी ज़्यादा ठंड, ऊपर से ये रात में बारिश आई होगी, तो अगर आप लोगों को कुछ हेल्प करनी है तो यहाँ पे मानसरोवर साइड में है, तो इस जगह आके आप लोग इनकी हेल्प भी कीजिए और जो हो सकता है इनके लिए स्वेटर हो गया या फिर कंबल हो गया तो यहाँ पे आके इनको दीजिए, बिकॉज इनको काफ़ी ज़्यादा नीड है। और किस तरीके से अभी इनकी प्रेजेंट टाइम में हालत है आप सोच नहीं सकते, और इतनी भयंकर सर्दी के अंदर ये सरवाइव कर रहे हैं गाइस। फाइनली जिम आ गया है और गाइस यहाँ पे जब मैं नीचे पार्किंग की तरफ जाता हूँ तो मुझे डेली एक कपल मिलता है, देखते हैं आज मिलता है कि नहीं मिलता। तो चलो चलते हैं नीचे और देखो वो भाई बैठे हैं। ओहो क्या कर रहे हो, लिफ्ट में चलते हैं गाइस। अब ये लिफ्ट के अंदर आ गया मैं और 3rd फ्लोर पे चलते हैं अब। चलो ये है हमारी जिम की लोकेशन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। इनका लास्ट डे है आज रितिका मैम का, बहुत मिस करेंगे हम। क्यों जा रहे हो आप? मैं घर जा रही हूँ। क्यों? मतलब ज्यादा भी मेरे हिम्मत बनाओ ना, इनका भी बनाओ। मैं जा ही नहीं रही। ये जा ही नहीं रहे। आपको कैसा लग रहा है ये जाएंगे तो? बहुत अच्छा लग रहा है, कंपटीशन खत्म हो रहा है। ओहो ये तो मतलब मैं किसी का कंपटीशन हूँ यहाँ पे, ये देखो आप। बताओ क्या बोल सकते हो फिर, कब आओगे फिर वापस, कब आओगे? 2-3 मंथ्स बाद। 2-3 मंथ्स बाद आप चाहते हो आए? ये नहीं, ऑब्वियसली हाँ। अभी मैंने दोस्तों की जगह मैंने नाग पाल रखे हैं, नाग है तो पीछे से डस रहे मुझे। मैं बहुत कुछ सीखी हूँ रितिका मैम से, एंड मैं अभी तक जितना सीखी हूँ सच बोलूँ तो रितिका मैम से शुरुआत हुई थी सिखाने की। रितिका मैम ने भी सिखाया बट रितिका मैम के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया, तो ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि वो वापस आए। गाइज ये हमारा जो है कार्डियो सेशन है और आज इतना ज़्यादा ठंड है कि मिरर में देख सकते हो आप फॉग ही फॉग हो रखा है, बहुत शानदार। चलो पूरा ये कार्डियो सेशन दिखा देता हूँ मैं आपको। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा आगे, जो कि ये पूरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है और अंदर की तरफ जो है वो जुम्बा क्लासेस वगैरह है, ग्रुप क्लासेस एरिया है, जब
जहाँ पे देख सकते हो आप काफ़ी लोग मतलब अपना सेल्फ कर रहे हैं, यहाँ पे क्लासेस भी लगती है। और मैं वहाँ पे आपको एक इधर की तरफ दिखा देता हूँ, ये इधर की तरफ डेडलिफ्ट स्टेशन है, पूरा स्ट्रेंथ एरिया है और काफ़ी खूबसूरत जिम है, व्यू काफ़ी अच्छा आता है यहाँ से, देख सकते हो आप। थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपन और यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा लगता है, आपको वर्कआउट करते टाइम फील बहुत अच्छा होगा। गाइस अब चलते हैं अपन पेंट्री के अंदर और पनीर गरम करते हैं और खाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रखा है पनीर। अभी मिलते हैं हम सुधीर सर से, तो ये कुछ अपनी बातें बता रहे थे और ये राइडर भी है। सर आपकी एज क्या है? माय एज इज 59। ओके नाइस, काफी टाइम से वर्कआउट कर रहे हो आप और काफी अच्छा वर्कआउट करते हो आप, तो इसके पीछे राज क्या है? देखिए एम तो कुछ होना चाहिए ना। हाँ, बेसिकली राइडर। सो मुझे क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है मेरे लेग्स, मेरे कोर, बस बाकी ओवरऑल थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ मिल जाए, फिटनेस चाहिए मुझे। ओके तो अभी आप बता रहे थे कुछ अपने बारे में, कि बताइए। एक्चुअली कल मैं राइड पे गया था, सैन न्यूज में था, मोटरसाइकिल फंस गई, मोटरसाइकिल मतलब जो ट्रेनिंग दे रहे थे उससे ऑफ द रिकॉर्ड चले गया, ऑफ द ट्रैक चले गया, वहाँ जाके फंस गई। एंड देन आई फेल्ट इट कि क्या कहते हैं मेरा वर्कआउट कितना ज़रूरी है। एंड इट वॉज ए स्मॉल प्लेस, सैंड न्यूज के अंदर में कम से कम एक डेढ़ फुट मेरा अगले का हिस्सा चले गया मोटरसाइकिल का, अगली व्हील चले गया। एंड मेरे को वहाँ से मोटरसाइकिल रिकवर करनी थी, नोबडी वॉज देयर। एंड देन आई फेल्ट इट कि क्या कहते हैं मैं एक्सरसाइज करने आता हूँ लेकिन आई एम मिसिंग आउट व्हाट आई नीड टू डू इट हियर, माय कोर एंड माय लेग्स। तो आज मेरे थाइस बहुत पेन कर रहे हैं, मैंने इससे वापस आज चालू किया। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या कहते हैं मोटरसाइकिल्स बेसिकली क्या कहते हैं कहने को आसान है लेकिन क्या कहते हैं दे आर वेरी हैवी, 200 केजी प्लस। तो यू कैन जस्ट इमेजिन 200 केजी का स्कैट मारना ही हो गया तो क्या कहते हैं वहाँ से निकाल लीजिए, और स्कैट भी सीधा सीधा नहीं है, आपको क्या कहते हैं ट्विस्ट करके निकालना। दिस इज व्हाट आई थिंक। थैंक यू सर, अच्छा लगा। थैंक यू। चलते हैं अभी वर्कआउट करवाने सर को। आइए सर, चूमो एल्बो एल्बो फिंगर्स। ओके कैसा लग रहा है सर? करोगे पार्टी? नहीं। तो सर ने कल पार्टी करी थी। तो सारे क्लाइंट्स का वर्कआउट खत्म हो गया था और मैं घर आ गया, मील भी लेके सो गया। तो बस अभी जस्ट उठा हूँ, अब खुद का वर्कआउट करने चलते हैं गाइस। तो गाइस मेरे भाई ने मेरे लिए ये नट्स के कुछ चॉकलेट थी तो ये रखा था, लेकिन मैं ये नहीं खाने वाला था क्योंकि इसमें शुगर काफी ज्यादा है। सो गाइस वर्कआउट मेरा कंप्लीट हो चुका है और मैंने शावर ले लिया है, अब चलते हैं पीटी के क्लाइंट्स को वर्कआउट कराने। चलो गाइज अब घर चलते हैं। गाइज अब मैं स्मूदी पीऊंगा जो कि मैं तैयार कर रही है मेरी नानी, मुंह में पानी आ रहा है। ये डाल दिया प्रोटीन, आधा वो डालो, ये लो एक ही डाल दिया, बहुत ज़्यादा प्यार देती है मेरे को। पीनट बटर भी डालेगी फुल दबा के शानदार तरीके से। ये रेडी हो रहा है, चलो रेडी है अब पीते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, और आग की तरह इस वीडियो को फैला दो भाई। थैंक यू गाइज़।